जय सनातन धर्म की। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, 45 दिन का ये विशेष समय चल रहा है और बृहस्पति के साथ में अगर मंगल युति बना रहा है तो इस धरती पर कुछ विशेष तो होगा। ये बात मैंने आपको जरूर कही थी, यानी धरती पर सत्य स्थापित हो, सनातन स्थापित हो, इसके लिए बहुत कुछ ईश्वर अवश्य करेगा। इसीलिए दर्शकों, कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने सनातन के संदर्भ में आपको एक बात कही थी कि इस ब्रह्मांड का पहला शब्द ज्योतिष है। दर्शकों, इसके अगले क्रम में मैं आपके सामने एक ऐसी बात रख रहा हूं जिसे जानना समझना आपका अधिकार है। हम में से बहुत लोग ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। ब्रह्मांड का ये वो शब्द है जिसके संदर्भ में आपको बहुत सारी व्याख्याएं मिलेंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओम का सनातन रहस्य क्या है? ओम कब बना, कैसे बना, इसकी विशेषता क्या है, किसे ये अधिकार दिया गया है कि कौन ओम को बोले, इसे कैसे लिखा जाता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, आखिर इसकी शक्ति क्या है, इसके संदर्भ में मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर हर एक जानकारी दूंगा। दर्शकों, ब्रह्मांड का जैसे पहला शब्द ज्योतिष है, उसी तरह से ब्रह्मांड की पहली गूंज ओम है। क्योंकि ब्रह्मांड में यदि कुछ चीज अस्तित्व में आ रही है, वो प्रकाश अस्तित्व में है, तो एक गूंज भी अस्तित्व में होगी और ये गूंज ही ओम है। लेकिन ये ओम शब्द जो हम बोलते हैं, इसको ओम क्यों कहा जाता है, इस बात की गहराई को समझिए। जब आप अपने मुख से ये बात बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, हम मुख से बोलते हैं, लेकिन ये ओम शब्द मुख से नहीं बोला जाता है, ये एक गुंजन है। हमारे हृदय और हमारे मस्तिष्क के बीच में, गले में एक झिल्ली है, उस झिल्ली के कंपन से ये ओम निकलता है, ये ओम ध्वनि निकलती है। अब हमारे श्वास लेने की एक प्रक्रिया भी है, हम कितनी देर श्वास ले सकते हैं, यानी श्वास, एक श्वास को हम कितनी देर तक रोक सकते हैं या कंटिन्यूएशन में इसकी लंबाई को हम बढ़ा सकते हैं, एक सीमा है, कुछ सेकंडों की है या एक मिनट की होगी, लेकिन उसके बाद हमारी ये श्वास टूटेगी तो ये कंपन भी टूटेगा। इसीलिए जब हम ध्वनि निकालते हैं ओम, तो ओ जब तक हम बोलेंगे, हमारी श्वास से चल रही है या हम श्वास को ले रहे हैं, तब तक ओ शब्द निकलेगा। लेकिन जैसे ही आप अपना मुंह बंद करेंगे, श्वास समाप्त होगी, खत्म होगी, अगली श्वास आप लेंगे तो आपका एक और शब्द निकलेगा, मैं, यानी इसको आप खत्म भी होगी ये चीज। इसलिए ओ के साथ मैं जुड़कर ये ओम बनता है। लेकिन ये हमारी प्रक्रिया है, इस धरती पर हम मनुष्य इसको इस तरह से उच्चारित करते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान रखिए, ओम का उच्चारण, केवल ओम का उच्चारण इस धरती पर किसी को भी नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए वर्जित है। क्यों वर्जित है, इस बात को समझते हैं। मैंने कहा केवल ओम का, हम किसी मंत्र के साथ ओम लगाकर उसको बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ये हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन केवल ओम ये हमें नहीं बोलना चाहिए। आप में से बहुत लोग कहेंगे मैं क्या बात बोल रहा हूं, इसके सनातन रहस्य को समझिए, आपको एक एक बात समझ में आएगी। इस ब्रह्मांड की गुंजन है ओम, ये ब्रह्मांड की गुंजन लगातार है, ये ओ है, मैं तो कहीं लगता ही नहीं, क्योंकि ये गुंजन कभी समाप्त तो होती ही नहीं है। हम जब बोलते हैं तो मैं इसलिए लगता है क्योंकि हमारी श्वास लेने की गति, उसकी लंबाई एक निश्चित है, लेकिन इस ब्रह्मांड का विस्तार तो अनंत है, तो ये गूंज जो ब्रह्मांड की है ये निरंतर है, सृष्टि के आरंभ से है और अनंत काल तक रहेगी। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही एक विशेष नियम काम करता है, इस बात को जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले वो निराकार है, निराकार एक आकार लेता है, वो निराकार ज्योति है, इसलिए उससे
ज्योतिष शब्द बना, जब वो निराकार एक आकार ले रहा है गुंजन के रूप में, तो यहां ओम बना। वो निराकार जब आकार ले रहा है, तो आकार ले रहा है तो दिखेगा भी, साकार भी होगा, तो यहां पर फिर साकार होता है, यानी कि हमें वो चीज दिखने लगती है। तो ज्योति से ज्योतिष, उससे आकार निकल रहा है वो ओम है, और उस ओम से जो साकार जन्म ले रहा है वो त्रिदेव है। तो इस तरह से तीन स्टेज हुई, निराकार, आकार, और आकार के बाद साकार, और साकार के बाद फिर आता है अवतार, यानी अवतार चौथे स्टेज पर आता है। दर्शकों, इस सनातन रहस्य को बड़े ध्यान से समझिए जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले ब्रह्मांड में वो निराकार, निराकार से वो ज्योतिष शब्द निकला, क्योंकि ज्योति के तीश को अगर कोई बताएगा तो वो ज्योतिष बताएगी, तो यहां से वो ज्योतिष शब्द निकला। और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही एक आकार ने जन्म लिया जो ओमकार है, ओम का आकार, उस गुंजन का आकार। उस गुंजन को हम कैसे लिख सकते हैं, यही उस ओमकार का रहस्य भी है, जिसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा। वही आकार साकार रूप ले रहा है जिसे हम देख सकते हैं, तो यहां पर त्रिदेवों की रचना होती है, देवों की रचना होती है, और यही साकार फिर अवतार का रूप लेते हैं, अवतरण होता है इनका इस धरती पर किसी विशेष कार्य के लिए। यही गुंजन, इस ब्रह्मांड की यही गुंजन जो आकार ले रही है, साकार का निर्माण कर रही है, यही हमारे भीतर भी चेतना के रूप में काम करती है। और यही चेतना, ध्यान से समझिएगा, यही चेतना जब हमारे भीतर होती है और हम परमार्थ को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, तो यही चेतना हमें भी एक साकार रूप देती है जिसे हम देवी देवता कहते हैं। यानी देवी देवताओं का निर्माण भी इस शरीर के अंदर जन्म लेने के पश्चात इस ओमकार को सिद्ध करने पर, या यूं कहिए इस ओमकार को समझते हुए जब हम परमार्थ का कार्य करते हैं, तो यहां से हमारे देवी देवता बनने की प्रक्रिया आरंभ होती है। ये इस ब्रह्मांड का वो सनातन रहस्य है जो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पहले पता था या नहीं था। 100% आप लोगों को नहीं पता था, क्योंकि ये बात इस धरती पर पहली बार ही कही जा रही है, तो आपको पता होगी कैसे। इसलिए दर्शकों, इस ब्रह्मांड के अंदर इस ओमकार शब्द को, इस गूंज को कहने के अधिकारी केवल तीन लोग हैं। इस ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं मैं। एक है भगवान शिव। शिव को यह अधिकार है कि वो इस गुंजन को, इस ओमकार ध्वनि को, इस ओम की गुंजन को कह सकते हैं, क्योंकि शिव उसी निराकार का साकार रूप है, इसी गुंजन से साकार रूप में परिवर्तित हुए हैं, तो ये अधिकार उन्हें दिया गया है, यानी ये क्षमता उनमें है। दूसरा है मां काली। मां काली जो भगवान शिव के ही अंग संग है, उनके अंदर समाहित वो ऊर्जा है, इसलिए दूसरा अधिकार काली जी को दिया गया, मां काली को दिया गया। और तीसरा अधिकार राम को दिया गया। अब ध्यान से समझिएगा, राम, मैं यहां दशरथ के पुत्र भगवान राम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां राम की बात कर रहा हूं। राम जिसे अंतर जगत में आत्मा को राम कहा जाता है, मैं उस राम की बात कर रहा हूं, यानी आत्मा को। इन तीन के अलावा किसी को भी ये कहने का अधिकार है ही नहीं, क्योंकि हम ये कहने की क्षमता रखते ही नहीं है। हम इस गुंजन को जब करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे,
हमें अपनी श्वास के साथ इसको तोड़ना भी पड़ेगा, इसे रोकना भी पड़ेगा, और मैं इसके साथ जुड़ेगा और ओम शब्द का निर्माण होगा, जबकि ये ओम एक ऐसी गुंजन है जो कभी समाप्त तो होती ही नहीं है। तो ये अनंत की गुंजन को कहने का अधिकारी आखिर है कौन? तो वो शिव तत्व जो इस ब्रह्मांड की रचना में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं, ये अधिकार उनको है। मां काली को है जिनके साथ वो शिव तत्व मिलकर के इस ब्रह्मांड की रचना का निर्माण करता है, यह अधिकार उनको है। और आत्मा को है जिसका विस्तार भी इस ब्रह्मांड में अनंत है, क्योंकि आत्मा भी अजर अमर है। इसीलिए इन तीन के अतिरिक्त इस ओम को कहने का अधिकारी कोई नहीं है। हां, हम किसी मंत्र से पहले इसे इसलिए लगाते हैं क्योंकि हर मंत्र की शक्ति भी ब्रह्मांड की इसी गुंजन से ही आरंभ होती है, उसका आरंभिक स्रोत तो वही है। इसीलिए हम किसी भी मंत्र से पहले ओम लगाते हैं। और दर्शकों, इस ओम को भी लिखने का एक विधान है। इस ओम की आकृति को आप समझेंगे तो यहां पर ब्रह्मांड की तीन शक्तियों का समावेश आपको यहां मिलेगा। इसीलिए ओम जब आप लिखते हैं तो आप इस तरह से लिखते हैं, ये तीन का प्रतीक है। लेकिन जब आप इसको सीधा करेंगे तो एक त्रिशूल का भी प्रतीक लगेगा आपको, ये यानी कि तीनों देवों की प्रतिज्ञा है ये। और जब आप कोई महत्वपूर्ण चीज होती है तो आप क्या करते हैं, उसके नीचे आप अंडरलाइन लगाते हैं कि भाई ये महत्वपूर्ण चीज है। तो सृष्टि के अंदर अगर कोई चीज सबसे महत्वपूर्ण है तो उसको भी अंडरलाइन तो किया जाएगा। इसीलिए इस ओम के ऊपर एक चंद्र आकार में एक अंडरलाइन किया जाता है ताकि ये बताया जा सके कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और उसके ऊपर एक बिंदी लगाई जाती है जो निराकार का प्रतीक है। तो इस निराकार के उस गुंजन से जो ये आकार ले रहा है, इस आकार से साकार का निर्माण होगा और साकार से फिर अवतार का जन्म होगा या प्राकट्य होगा। ये विधान सनातन विधान है जिसे हमें समझना चाहिए। अब तक हम केवल निराकार और साकार को जानते थे, लेकिन उसके बीच की जो कड़ी है कि कैसे निराकार साकार में बदला, इस कड़ी को तो हम जानते ही नहीं थे। इसीलिए ओम शब्द का उच्चारण हम मनुष्यों के लिए वर्जित है, हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर वो सामर्थ्य है ही नहीं। इसीलिए एक खंडित शब्द का उच्चारण करना, यानी हम ओम ध्वनि निकालेंगे लेकिन हमें उसको रोकना भी पड़ेगा क्योंकि हमारे श्वासों की एक सीमा है। और जैसे हम इसको रोकेंगे, हम मुंह बंद करेंगे, मैं शब्द का भी उच्चारण होगा, यहां से ओम है, लेकिन वास्तविक ओम आरंभिक वो गुंजन है जो कभी समाप्त होती ही नहीं है। और इसीलिए क्षमता जिनके पास है उन्हें ही ये शब्द उच्चारित करने का, एक गुंजन उच्चारित करने का अधिकार है। और वो केवल तीन है जिनके संदर्भ में मैंने आपको बताया कि महादेव भगवान शिव, मां काली और राम, राम अर्थात हमारी आत्मा। इसलिए दर्शकों, इस ओम के सनातन रहस्य को आज मैंने आप लोगों के सामने रखा है। ये सनातन रहस्य अब आप लोगों के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब समय आ चुका है वो जब हम धर्म युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो हर सत्य को हमारे सामने प्रकट होना ही है। और एक मेरे जीवन से जुड़ी एक विशेष बात आपको बताता हूं। 2023 से पूरे वर्ष मैंने दिव्य शक्तियों का आह्वान एक कार्यक्रम किया था। मुझे नहीं पता था कि उस कार्यक्रम को रखने के पीछे जो मेरी भावना थी उसके बदले मुझे इतना बड़ा परिणाम प्राप्त होगा, ये मुझे नहीं पता था। मेरी भावना पवित्र थी कि सृष्टि का कल्याण हो, प्राकृतिक आपदाओं से हमारी सुरक्षा हो, इसलिए हम दिव्य शक्ति का आह्वान करें। हमने यज्ञ किया, हमने हवन किया, और उस यज्ञ हवन चूंकि वो निस्वार्थ भाव से किया गया था, इसीलिए ईश्वरीय कृपा भी होती है और समय से पहले वो हमें यह संकेत भी देता है अब आने वाले समय में हमें करना क्या है।
इसीलिए दर्शकों, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि मैं ओम के संदर्भ में आप लोगों को कोई एक वीडियो बना करके बताऊंगा जिसमें ओम का उच्चारण कैसे किया जाता है, ये मैं आप लोगों के सामने बात रखूंगा। बहुत से दर्शक हमारे इस वीडियो का इंतजार भी कर रहे थे। फिर मैंने लगभग 5 महीने से ज्यादा समय हो गया, मैंने एक वीडियो बनाया, मैं स्वयं ध्यान में बैठ करके मैंने ओम का उच्चारण किया, मैंने वो वीडियो बनाया। उस वीडियो के अंदर आसपास की सारी आवाजें, चिड़ियाओं की या किसी भी तरह की छोटी सी भी ध्वनि थी, वो सब रिकॉर्ड हुई। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, जो मैं उच्चारण कर रहा था ओम का, उसकी कोई ध्वनि रिकॉर्ड ही नहीं हुई। ये मेरे लिए इतना आश्चर्यजनक था कि मैं जिस ओम का उच्चारण कर रहा हूं और आराम से एक ध्वनि निकाल रहा हूं, मैं आसपास की चीजें रिकॉर्ड हो रही है, बाहर से दूर से कोई आवाज है वो रिकॉर्ड हो रही है, और मैं कैमरे के सामने बैठ करके मैंने 15-20 मिनट का वीडियो बनाया। मैं आपको क्लिपिंग दिखाऊंगा उस वीडियो की भी, लेकिन कोई ध्वनि रिकॉर्ड ही नहीं हुई। मुझे इतना आश्चर्य हुआ, आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन तब मैंने ईश्वर से एक प्रार्थना की थी कि अगर इसके पीछे कोई सनातन रहस्य है तो हे ईश्वर, उस सनातन रहस्य को दुनिया के सामने आप लेकर आए ताकि ये दुनिया भी उससे लाभान्वित हो। और अब जब ये 45 दिन का ये समय शुरू हुआ है, तो आज ये संदेश फिर मैं ईश्वरीय कृपा से ही आप तक लेकर आया हूं कि ये ओम क्या है, कहां से आरंभ हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से इसने आकार लिया, आकार से साकार का निर्माण हुआ और साकार से अवतार, और अवतार भी क्षणिक होते हैं। ध्यान से समझेगा बात, महत्वपूर्ण बात है दर्शकों। आकार से साकार और साकार से जब अवतार, तो अवतार क्षणिक होते हैं, तो जो नरसिंह अवतार है वो भी क्षणिक है। प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप का वध किया और बाद में अदृश्य हो गए। ये इसी ओमकार की शक्ति थी जिस आकार ने साकार और साकार ने अवतार का रूप लिया और प्रह्लाद की रक्षा की। इसीलिए जब आप सनातन से जुड़ेंगे, सनातन के साथ जुड़ेंगे, सनातन को समझेंगे, अपने जीवन में सनातन को स्थान देंगे, तब आपके जीवन में भी प्रह्लाद जैसी घटना जरूर होगी कि कभी जीवन में अगर कोई संकट आया तो वो आकार साकार अवतार का रूप धारण करेगा और उस समय आपकी रक्षा करेगा, चाहे फिर उस क्षणिक समय के अंदर उसे कोई भी अवतार क्यों ना लेना पड़े। इसीलिए दर्शकों, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उसने उन्हीं आकार से साकार का ध्यान किया, उनका आवाहन किया, और उनके इस आवाहन से भगवान ने वहां पर जो अवतार लिया, वो सब आपको पता है कि साड़ी, उसका कभी अंत ही नहीं हुआ। दुशासन थक गया, हार गया, लेकिन चीरहरण नहीं कर पाया। ये वो सनातन रहस्य है। तो जो लोग ये कहेंगे कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, साड़ी बड़ी कैसे हो सकती है, तो आज आपको समझ आ गया होगा कि अवतार कैसे क्षणिक रूप में भी अवतार लेकर के हमारी रक्षा करते हैं। ये रहस्य आज आपको समझ में आ गया होगा। और इसीलिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि कैसे यज्ञ हवन इसकी दूसरी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा भी हम सनातन को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन ये सत्य मुझे आप लोगों के सामने रखना था, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बना करके दिया है। इसके पश्चात आपको ओमकार, उस ओम को समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। और इसको लिखने का भी एक विधान है, तरीका है, पंचगव्य से ये लिखा जाता है और फिर उसके ऊपर कुमकुम रखा जाता है। ये एक ऐसा विधान है, ऐसी प्रक्रिया है, जिसे मैं 30 मार्च 2025 के बाद सार्वजनिक रूप से उस धर्मयुग के पहले दिन में आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा कि इस ओमकार शक्ति, इस गूंज को जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है, इसका विधान क्या है। इसे यूं ही नहीं लिखना चाहिए,
बहुत से लोग स्टिकर, आजकल तो स्टिकर चल पड़े हैं, कहीं पर भी हम लिख देते हैं, कार्ड में भी हम छपा देते हैं, फिर बाद में उन कार्ड का क्या होता है, उन स्टिकर्स का क्या होता है, पाँव में गिरे रहते हैं। तो कितनी महान चीज का हम क्या उपयोग कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या दुरुपयोग कर रहे हैं, ये हमें समझना चाहिए। पुराण क्या है, परमात्मा पुराण से उनका क्या संबंध है, यज्ञ हवन क्या है, मैं हर एक टॉपिक पर सनातन रहस्य आप लोगों के सामने रखूंगा। इसीलिए चिंता मत करिए, अब चूंकि समय कम बचा है तो सनातन का रहस्य तो आप लोगों के सामने आना ही चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।